मैं स्वयं से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये 3 गोल्डन टिप्स दें जो यहां बच्चे नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, और हिंदुस्तान में जितने बच्चे आज के तारीख से नीट लिखने वाले हैं उनके लिए 3 गोल्डन टिप्स। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन एनीबॉडी इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस, जब कोई बंदा बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो 4 पॉसिबिलिटीज होते हैं। एक, वो फेल हो जाता है। दूसरा, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तीसरा, उसे कामयाबी मिलती है। और चौथा, उसको ट्रेमेंडस प्रोग्रेस मिलता है। ये चारों चीजों में, चारों लोगों में भी एक चीज कॉमन होती है, सबके पास होती है एक चीज, वो क्या है? टाइम। वो क्या है? टाइम। और सबके पास उतना ही वक्त होता है। अ फेलियर बिजनेसमैन हैज 24 आवर्स एंड सिराजुद्दीन अजमल साहब जैसे कामयाब बिजनेसमैन, उनके पास भी 24 आवर्स। और जो बंदे इम्तिहान लिखते हैं उनके पास भी 24 आवर्स। जो नीट लिखे डिस्क्वालीफाई हो गए 24 आवर्स। और शोएब आफ्ताब ने एग्जाम लिखा 720 में 720। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट बॉय। उन्हें भी 24 आवर्स ही है। जो बच्चे फेल हो रहे हैं 24 आवर्स है उनके पास, और जो बच्चे ऐसे रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं उनके पास भी 24 आवर्स। द ब्यूटी लाइज इन यूजिंग द टाइम। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो ये आपके सक्सेस इस पर डिपेंड करता है। आज हमारे बीच एक बहुत ही कामयाब बंदा, ऐसा रिकॉर्ड जो कायम किया है जो सोचने कभी डरते थे, वो शोएब आफ्ताब। ही हैज कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, ही इज फ्रॉम ओडिशा। से ये लड़का खड़े होता है और मैसेज देता है पूरे देश को कि इम्पॉसिबल इज नथिंग। ही हैज प्रूवन एंड ही हैज गिवन अ मैसेज टू द स्टूडेंट्स ऑफ अजमल फाउंडेशन एंड द रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया दैट यस वी कैन डू वंडर्स। ये प्रोग्राम बिल्कुल अधूरा रहेगा अगर मैं शोएब आफ्ताब को यहां ना बुलाऊं, क्योंकि ये चैंपियन है, ये नीट टॉपर है। तो मैं शोएब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये 3 गोल्डन टिप्स दें जो यहां बच्चे नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, और हिंदुस्तान में जितने बच्चे आज के तारीख से नीट लिखने वाले हैं उनके लिए 3 गोल्डन टिप्स। फिर वो अपनी जो बात रखना चाहते हैं वो भी रखें। वेल बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शोएब आफ्ताब। गुड आफ्टरनून एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम शोएब आफ्ताब, ए स्टूडेंट जस्ट लाइक यू। टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर, टुमारो इज योर टर्न। सो आई अपीयर्ड फॉर नीट दिस ईयर एंड आई सिक्योर्ड AIR 1 and also 720 out of 720. I want to thank Ajmal Foundation for inviting me and allowing me to address you people, and I also want to thank you all for the love I received here. I was born in Bengal. I am a Bengali, so I can speak Bangla as well. Kemon acho Assam? Thank you Hojai and the people here. इनिशियली सब कुछ इतना क्लियर नहीं था। क्लास 8-9 तक रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था मुझे, और मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि डॉक्टर्स की शायद फ्यूचर में रिक्वायरमेंट नहीं होगी। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो जाएगी कि शायद हमें ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ जो हम ह्यूमन बींग्स करते उसकी शायद ज़रूरत ही ना पड़े, रोबोटिक्स से ही सारा काम हो जाए। डेफिनेटली 9-10 में ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसा एटलीस्ट फॉर सम डिकेड्स ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तब मैंने जो है चेंज किया अपने ड्रीम्स को और मैं नीट की तैयारी करने आ गया कोटा में। और फिर स्टार्टिंग में ज़्यादा गाइडेंस भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे कोचिंग लेना पड़ा एलएन से। और कोचिंग में भी कॉन्फिडेंस कम था स्टार्टिंग में, बस इतना टारगेट किया था कि एटलीस्ट सिलेक्शन तक हो जाए, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए चल जाएगा मुझे। पर धीरे धीरे जैसे मार्क्स इम्प्रूव होते गए वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। मैं बस यही कहूँगा इससे, ये जो मैसेज जो क्लियर है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा अपने गोल्स क्लियर हो स्टार्टिंग से ही, लेकिन आप कुछ भी करते हो, नीट हो, जेई हो या कोई स्पोर्ट्स भी हो, आप हमेशा अपना 100% देना उस पर। और
कुछ भी हो, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप स्पोर्ट्स में भी हो, स्पोर्ट्स के बारे में और जानो, उस अपने गेम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, टेक्निक्स के बारे में और जानो, कुछ भी हो, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। और नीट जेई जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उसके लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, हमेशा अपना 100% देना। और शायद यही रीज़न है कि इतना ज़्यादा कुछ हो पाया है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि कभी डिस्ट्रैक्ट मत होना। जैसा कि इस साल कोविड का सिचुएशन था, एग्ज़ाम्स काफ़ी डिले हो गए, सेशन काफ़ी डिले हो गया। आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है शायद, जो स्टूडेंट्स इस साल नीट अपीयर करेंगे उनके लिए टाइम कम है, तो डेफिनेटली प्रेशर तो है, लेकिन कभी डिस्ट्रैक्ट मत होना। और नेगेटिव थॉट्स ऑफ कोर्स आ सकते हैं, तो हमेशा आप ये समझना कि सिर्फ वो आपके लिए नहीं है, वो जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो सब फेस कर रहे हैं। ये चीज़ जानकर ही आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलना चाहिए। इसके अलावा आप हमेशा कोशिश यही करो कि आप नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मुझे भी डर था कि कहीं ना कहीं कोविड के टाइम पे जो भी मैंने इतने मेहनत से पढ़ाई की, शायद जिन लोगों ने उतना नहीं पढ़ा हो, जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है इतना, तो डेफिनेटली वो लोग शायद मेरे से भी आगे हो जाए। पर कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी था कि मैं उनसे भी ज़्यादा पढ़ूंगा और उनसे और ज़्यादा आगे रहूँगा। बस सिंपल है, हमेशा अपना 100% देना, और जैसा जैसा आप कर रहे हो उसको फॉलो करो, कभी डिस्ट्रैक्ट मत हो, और डेफिनेटली आप जो भी करना चाहते हो आपको जरूर मिलेगा वो। थैंक यू। बहुत अच्छे माशाल्लाह, इन्होंने 3 टिप्स कल भी दिए थे बच्चों को, कहा कि कभी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, और एक हुनर डेवलप करना, एक स्किल डेवलप करना, कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना शुरू करें, और तीसरा जो मैंने पहले ही बताया था ना, सबके 24 घंटे होते हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड द हार्ट ऑफ अजमल फाउंडेशन मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब इज गोइंग टू ऑनर दिस बॉय, right? Yes, and Ajmal brothers, Sirajuddin Ajmal sahab as well, to join in honoring this great boy who has really created history. And may I invite their parents as well? Inke parents bhi aaye hain aur pyari behan bhi aayi hai, Alisha choti si. May I request them to join them, please? Aur 1 lakh rupees ka check, 1 lakh rupees worth check. is being given to Soeb Aftab by the hands of Maulana Badruddin Ajmal Sahab and Sirajuddin Ajmal Sahab.